बोल खोलत रहे तब मारलक धेल सटका खींच लेलक सबटा समेट लेने रहिए गुंडा गुंडी नहीं चलेगा स्पीड स्पीड कलेक्टर क्या दी हम रहा मोदी सरकार रहा लालू रहा नीतीश रहा कोई रहा किसी का नहीं चलेगा रोजा देने रहिए मारलक से हम आदम नतिया गले ये हमरा समेट के रख ल मोदी सरकार क्या है कुछ नहीं है पब्लिक के लेकर मोदी सरकार है लालू है नीतीश है क्या है हम लोग धंधा नहीं देगा वोट तो कैसे जीतेगा अलवा से कोरोना महामारी अब बिहार में इतना पांव पसार चुकी है कि 6 बजे के बाद प्रवेश होता है पिछले कुछ दिन पहले 7 बजे प्रवेश करता था धीरे धीरे उन्होंने टाइम बढ़ा लिया है ऐसे में छोटे छोटे दुकानदार जो सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं वो कोरोना को लेकर के ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं लाठियां प्रशासन की वहां चलती हैं जहां गरीब लोग कुछ ना कुछ छोटा सा व्यापार करते हैं तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उन्होंने अपना लाठी बरसाने के लिए ऐसे ऐसे गरीब को चुन लेता है तो प्रशासन आप सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं बढ़िया बात है लेकिन इस गरीब ने क्या किया है जो आप इनको लाठी चलाए हैं दूसरी बात कि यही लाठी आप अमीरों के माथा पर या हाथ पर या पीठी पर नहीं चला पाएंगे लेकिन इस प्रकार के गरीब के हाथों पर आपने लाठी चलाया है जैसा कि इन्होंने बताइए क्या क्या हुआ था कल बोल खोलत रहे तब मारलक धेल सटका खींच लेलक सबटा समेट लेने रहिए आप हिंदी में बोलिए थोड़ा और लोग जो जानेंगे नहीं हिंदी में हमरा नहीं होइए तो अहाँ के की भेल से बताओ तो बोल खोलत रहे कि ना तब सबटा रहे समेट के बांध लेने बोल खोलत रहे तो एहिपर मारल के धाइ तो जैसा कि क्या बजे की घटना है यह बेर में तो 6:30-7 बजे की घटना है इन्होंने सब्जी बेचने के लिए अमूमन लोग थोड़ा समय बिता कर आते हैं जो गर्मी के कारण दूर दराज से लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो ये लोग थोड़ा वेट करते हैं कि कुछ सामान मेरा बिक जाए तो ऐसे में इन्होंने सामान सैत लिया था लेकिन बॉल जो खोलने के बारी था कि प्रशासन आ चुकी थी उसी समय इनको पुलिस की लाठी से इनको हाथ पे मारा गया है दिखाए तो थोड़ा ऐसे कर कीजिए ऐसे कीजिए मास्क लगाए तो मुँह पे थोड़ा हाँ देखिए यहाँ पे इनको लाठी से मारा गया है तो प्रशासन भी अपने गाइडलाइन के अनुसार काम अच्छा करते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोष बिहार सरकार के जो सबसे बड़े मुखिया है नीतीश कुमार जी आपने जो फरमान जारी किए हैं क्या गरीबों के लिए किए हैं यही लाठी क्या धनिकों के लिए अनिल अंबानियों के लिए या यहाँ के बड़े बड़े जो शहर में बड़े बड़े दुकानदार हैं महासेठ हैं जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान को चलाते हैं क्या उनके लिए आप लाठी चला सकते हैं और इस गरीब के लिए आपकी लाठी चली है यह भी एक प्रकार का लॉकडाउन में इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए क्या नाम है आपका सदिला खातून घर कहाँ है कोरहिया कोरहिया से यहाँ बेचने के लिए आती है और रेगुलर आप लोग आती हैं यहाँ पे ट्रेन से आती है तो ये कोरहिया जो खजौली के नज़दीक में है वहाँ से बेचने के लिए यहाँ पहुँचती है लेकिन इन लोगों का जो दैनिक मजदूरी नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे क्या आप लोग यदि ये काम नहीं करिएगा तो आपका परिवार कैसे चलेगा हाँ क्या हुआ चाची 8 बजे बंद करते जोर से बोलिए कहिए 8 बजे जब बंद करते तखन दू पाइ लोग बेचते में केना हेतु एना लोग मरते घर की महिलाएं हैं और काम काजी महिलाएं हैं ऐसे वैसे महिलाएं नहीं है आप प्रशासन कम से कम इनके रहम कीजिए आप बोलिए ये चली जाएगी आराम से उठा सकती है आप प्रशासन है आप लाठी यहाँ चला दिए हैं यही लाठी आपको दूसरे जगह नहीं चलेगा लेकिन इनके ऊपर लाठी चला दिए हैं आप तो ये लाठी कम से कम गरीब जो खास करके महिलाएं घर में छुप करके रहती है लेकिन ये महिला काम करने के लिए दिन रात अपने बच्चों को पालन करने के लिए घर को परवरिश करने के लिए यहाँ पहुँचती है तो उनके ऊपर ऐसा लाठी मत चलाइए क्या कहना चाहती देखिए गरीब को खाने को पहने है हम लोग का घरारी नहीं है अब मोदी बदमाशी कर रहा प्रशासन बदमाशी कर रहा है लाठी चार्ज कर रहा है मास्क काले पहने हैं मास्क काले पहने हैं मास्क अभी खोल लिया है गुंडा गुंडी चलेगा सब्जी वाली कोनो गुंडा गुंडी नहीं चलेगा स्पीड स्पीड कलेक्टर क्या दी हम रहा मोदी सरकार रहा लालू रहा नीतीश रहा कोई रहा किसी का नहीं चलेगा बेसी परेशानी करेगा तो हम लोग क्या करेगा 10 किलो 20 किलो मिर्चा के बुकनी लावेगा और उड़ावेगा तो ये देख रहे हैं रोज
जो कह रही है कि हमारे साथ यदि जदातीय किया जाएगा तो हम लोग भी अब अपना रास्ता अपनाएंगे, लेकिन ये अच्छा रास्ता नहीं है चाची। आप लोग धरना पर बैठ सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं, ये अच्छा रास्ता नहीं है। रोजा देने रहिए, मारलक से हम आदम नतिया गया है, ये यहाँ समेट के रख लो। क्या नाम है? हमारा रामशिला देवी। क्या घर है? घर राम चौक पुलिस लाइन। तो यहाँ पे जो आई है, कम से इसे पानी है, पहले कपड़ा से पानी है। हम लोग के खाने का पैसा नहीं है, खाना खाने का पैसा। बाल बच्चा रोड पर रहते हैं, ना घर है ना घरारी है। मेरे घर सरकारी जमीन में घर बना के हुआ है। क्या मोदी सरकार है? क्या है मोदी सरकार? क्या है? कुछ नहीं है। पब्लिक के लेकर मोदी सरकार है, लालू है, नीतीश है, क्या है? हम लोग जनता नहीं देगा वोट तो कैसे जीतेगा? अलवा से, सुतरी से। बाप रे, देखिए कितना बड़ा रोष है। कैसे जीतेगा सरकार? हम लोग का परेशानी सब्जी वाली का करेगा तो 20 किलो मिर्चा का बुकनी लावेगा और पूरा जिला उलावेगा। बाप रे भाई, इतना बड़ा आंदोलन इन लोगों के माध्यम से होने जा रहा है, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है चाची, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग छोड़ेगा नहीं। आपको बता दे कि जैसे मेडिसिन नेसेसरी है, वैसे ही सब्जी और साग स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यदि ये लोग डिस्टेंस बना करके बेचते हैं, कुछ समय लेते भी हैं, तो हमको मेरे ख्याल से वो गुनाह नहीं कर रहे हैं। एक तो इनका परिवार अच्छा से चल जाएगा, जो शाम में नौकरी करके जो आते हैं वो शाम को उनको समय मिलता है, वो आकर के यहाँ सब्जी लेते हैं, तो सब्जी भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में इन लोगों का जो मांग है वो भी बहुत जायज लग रहा है। गरीब आदमी बेचने के लिए तो आप लोगों देखा कि इन लोगों का जो रोष है बिल्कुल ही जायज लग रहा है मेरे ख्याल से। और आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आप हमारे साथ मिथिला दस्तक की तमाम कार्यक्रम देखते हैं और ये कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए। साथ में ये वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारा ये लाइव देख रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। इन लोगों को मास्क नहीं है, हम अपने मिथिला दस्तक के माध्यम से मास्क वितरण कर रहे हैं। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं पोषण के लिए आपको दे रहा हूँ, लीजिए ये मास्क। इसके लिए तो कमाइए रहे ना आप, इसके लिए तो कमाइए रहे हैं ना। मास्क लगा के रखिएगा, इसको ऐसे नहीं लाइएगा। बच्चा का मास्क बना के रखिए, मास्क लगा के इसको लाइएगा, ऐसे नहीं मत लाइए, बहुत खराब बीमारी है। कितना लीजिएगा बच्चा के लिए? एक के बार ना, फ्री में नहीं है, हम भी किसी से मांग के लाते हैं, चार तारीख को करके लाते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए कि हम फ्री में बांटे, आप लोग भी हमको दीजिए, सहयोग कीजिए, जो हम आपको देंगे, गरीब को देंगे, इसके पास नहीं है। थैंक यू एवरीवन। आप मास्क लोगों के पास नहीं था तो प्रिकॉशन के लिए मास्क भी हमें देना जरूरी था, इसलिए मास्क दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।